असलम स्टूडेंट्स आज हम जी के पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए आपकी बुक का नाम है जनरल नॉलेज क्लास सिक्स जी के ठीक है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम इसका कंटेंट दिखा देते हैं जो आपके पी ए टू में सिलेबस आ रहा है वो बता देते हैं तो जल्दी से आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए और यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने पिछली बार आपको पार्ट वार्ट सब बता दिया था कि कितने चैप्टर आ रहे हैं कितने पार्ट में हैं तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देते हैं देखिए आपको हमने पिछली बार बताया था कि आपके पी ए टू में जो आपका पी ए टू का टेस्ट होगा उसमें तीन पार्ट में हमने ये डिवाइड किया है और ये टोटल चैप्टर कितने हैं यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन कितने चैप्टर हैं तेरह चैप्टर हैं टोटल ठीक है पार्ट एट हमने कराया था इसमें आपको चार चैप्टर पढ़ाए थे चैप्टी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन यहाँ तक आपका पार्ट एट हो गया था फिर पार्ट नाइन हमने नेक्स्ट टाइम कराया था उसमें आपका थर्टी टू थर्टी थ्री थर्ट फोर्टी फाइव यानी चार चैप्टर इसमें कंप्लीट करा दिए ओवरऑल आपके चार और चार आठ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं यानी पार्ट एट और पार्ट नाइन आपका कंप्लीट हो चुका है आज जो हमें करना है वो है हमारा पार्ट नंबर नाइन ठीक है ये लास्ट पार्ट है इसके बाद आपका पी ए टू का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसमें है आपके चैप्टर नंबर थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी यानी वन टू थ्री फोर फाइव ये आपके पाँच चैप्टर्स हैं इसमें ठीक है चैप्टर्स क्या एक एक पेज ही कह सकते हैं यानी पांच पेज सिंपल कह सकते हैं चैप्टर्स भी एक एक पेज का होता है तो ये इतना जो आपको पंद्रह चैप्टर तेरह चैप्टर आपको लगते हैं तेरह चैप्टर तेरह पंद्रह चैप्टर होते नहीं है बल्कि ये पेज होते हैं ठीक है तो इसमें ये नहीं देखना है कि पंद्रह चैप्टर हैं कैसे याद होगा क्या होगा सिंपल से ये सोचिए कि पंद्रह पेज हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा चलिए पार्ट नंबर टेन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्टी सिक्स के साथ लेट्स क्विज पेज नंबर फोर्टी सेवन पेज नंबर फोर्टी सेवन ओपन कर लिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर टेन आप सबसे पहले मेंशन कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे आपको डेट लिख देनी है तो डेट और जो पार्ट हर पेज पर ये लिखना होता है आपको ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर लिखा है तो डेट कौन सी लिखनी होती है डेट लिखनी होती है आपको उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है किस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है उस दिन की ये डेट लिखनी होती है आपको ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है लेट्स कोज टेक द ऑड वन आउट इन ही स्टेट सेट ये कह रहे हैं ये जो सेट्स से आपको दिए हुए हैं इनमें से आपको क्या करना है ऑर्ड वन आउट करने हैं ऑड वन निकालने हैं ठीक है थीके? तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर चार आपको फोटोज़ दिए हैं मतलब आपको कुछ इन्हें देख कर जज करना है कि क्या है यहाँ पर देखिए तीनों क्लासिकल डांस फॉर्म है और ये भांगड़ा जो है ये डिफरेंट डांस फॉर्म है ठीक है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है ये डिफरेंट डांस फॉर्म है ये तीनों डांसिस से अलग हैं ठीक है थीके? तो ये क्या है हमारा ये ऑर्ड वन हो गया तो इस पर आप टिक कर देंगे इन तीनों में ऐसे ही देखिए हमारे क्या है ये बॉलीवुड हमारे जो है आ, सिंगर्स आ, मतलब इन तीनों के ऊपर मूवीज़ बनाई जा चुकी हैं ये तीनों जो है बॉलीवुड्स के अंदर इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मगर इन ये जो है ये जो है इन तीनों से ऑड वन है ठीक है तो ये हमारे क्या हो गए ऑड हो गए ये इनसे अलग हैं तो इन पर हमने टिक कर दिया फिर ऐसे ही हमारा थर्ड है थर्ड देखिए थर्ड क्या है वन टू थ्री फोर ये हमारे चार फोटोज़ दिए हैं देखिए ये तीनों हमारे क्या हैं ये फीमेल हैं ये तीनों क्या हैं ये फ़ीमेल्स हैं और ये चौथे क्या हैं ये मेल हैं और ये एक्टर हैं ये क्या हैं तीनों सिंगर हैं तो ये ऑड हो गए ये

अब यहाँ पर देखिए चारों फ़ोटोज़ में से ये वन टू एंड फोर्थ ये चारों जो हैं ए बी और सी डी वाले ये चारों क्या हैं ये तीनों जो हैं एक्टर हैं और ये हमारे कौन हैं ये ए आर रहमान हैं ये सिंगर हैं कौन है ये सिंगर हैं ये तीनों ही कौन हैं एक्टर हैं तो ये सिंगर हैं ये ऑड वन हो गए अब नेक्स्ट देखिए पहला है ग्रेमी अवार्ड पुलटर पुलिटर अवार्ड जनप्रीत अवार्ड मैन बुकर प्राइज़ ये तीनों चारों अवार्ड्स के नाम हैं जो अलग अलग प्राइज़ दिए जाते हैं अलग अलग बेसिस पर ग्रेमी अवार्ड जो तो है फिल्म इन, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में दिया जाता है मतलब मूवीज़ अच्छी है मूवीज़ के बेसिस पर ठीक है अलग अलग मूवीज़ के रिलेटेड कोई जैसे आपने देखा होगा ये एनुअली हर साल जो है प्राइज़ दिया जाता है जैसे फिल्म फेयर अवार्ड होता है बेस्ट मूवी अवार्ड होता है इसी तरह से ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है पुलट्जर अवार्ड जनपीत अवार्ड मैन बुकर प्राइज़ अवार्ड ये तीनों ही राइटर्स के बेसिस पर राइटिंग के बेसिस पर राइटर स्किल्स पर दिया जाता है ये नावल राइटर जैसे कि अगर आ, ऐसे कॉम्पिटिशन होता है उसमें क्या होता है अलग अलग जगह से पूरी दुनिया से मतलब पूरे वर्ल्ड से जैसे इंडिया पाकिस्तान जहां जहां के भी राइटर हैं बेस्ट बेस्ट राइटर हैं वो क्या करते हैं नावल लिखते हैं और जिसकी नावल जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है उसे मैन बुकर प्राइज मिलता है या सिंपली हम इसे बुकर प्राइज भी कहते हैं ऐसी जनपीत अवार्ड भी राइटिंग स्किल्स पर मिलता है और पोलिटर अवार्ड भी राइटिंग स्किल्स पर मिलता है ठीक है जैसे मैगजीन राइटिंग न्यूज़पेपर राइटिंग अलग अलग बेसिस पर जो है अवार्ड्स ये मिलते हैं तो ये ग्रेमे अवार्ड जो है ये अलग हो गया डिफरेंट हो गया अब पार्ट सिक्स देखिए इसका मतलब क्वेश्चन सिक्स देखिए आपके बुक में आपके यहाँ पर फ्लूट लगा हुआ है बुक में फ़्लूट नहीं करना है इसमें सिंपली बुक के एक्सरसाइजेज में भी बुक जो आपके बुक में जो आंसर शीट है उसमें भी गलती होती है ठीक है उसमें भी कुछ आंसर गलत होते हैं तो यहाँ पर देखिए चैप्टर इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो है फ्लूट बैनजो सेक्सोफोन और कैरीनेट फ्लूट बैनजो और सेक्सोफोन और कैरिनेट ये हमारे तीनों ही अलग अलग हैं क्या है चारों मतलब इन चारों में से बेंच जो है ये डिफरेंट है ये बैंजो जो है गिटार की तरह होता है फ्लूट जो आपने से देखी होगी सैक्सोफोन आपने देखा होगा ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बना रखा है हल्का सा ठीक है इस तरह से ये बड़ा सा होता है पाइप टाइप का और आगे बड़ा सा हॉर्न टाइप का जो आपने देखा होगा इस तरह से होता है यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है ठीक है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हॉर्न हॉर्न टाइप के देखा होगा आपने यहाँ पर यहाँ पर बटन टाइप के होते हैं इस तरह से ठीक है स्विच टाइप के होते हैं ये प्रेस करते हैं यहाँ से फूक मारते हैं यहाँ से फूक मारते हैं और यहाँ से आवाज़ साउंड निकलती है बड़ा सा होता है पूरा हमारा जो क्रिकेट बैट होता है इतना बड़ा होता है ठीक है बड़ा सा होता है इसे कहते हैं सेक्सोफोन ऐसे कैरिनेट होता है बाँसुरी की तरह होता है पतला मगर वो थोड़ा डिफरेंट होता है ठीक है बँसुरी से बहुत डिफरेंट होता है फ़र्क होता है ये बाँसुरी बहुत फ़र्क होता है इस तरह से होता है अब तीनों ही ये जो है हमारे मुँह से बजाए जाते हैं यानी एयर से बजाए जाते हैं फूक मार कर बजाते हैं एयर प्रेशर से मगर जो बैनजो होता है वो गिटार की तरह होता है यहाँ पर जो मैंने हल्का सा बना रखा है मगर गिटार से डिफरेंट होता है इस तरह से इसमें वायर्स होते हैं वायर को जैसे हम गिटार बजाते हैं इसी तरह से बैनजो बजाया जाता है तो ये तीनों से डिफरेंट है ये मुँह से बजाया जा रहा है ये हाथ से बजाया जाता है ये ऑड हो गया ठीक है अब सेवंथ हमारा यू टी मूवीज़ जी सिनेमा आज तक और स्टार मूवीज़ अब इन चारों में देखिए यू टी मूवीज़ जी सिनेमा और जो हमारा स्टार मूवीज़ हैं ये एंटरटेनिंग चैनल हैं मतलब इसमें मूवीज़ आती हैं स्टोरी और हमारे मतलब एंटरटेन करने वाले चैनल्स आते हैं और जो मतलब एंटरटेन करने वाले एपिसोड्स आते हैं सीरियल्स आते हैं मूवीज़ आती हैं रही बात आज तक की तो आज तक क्या है ये एक न्यूज़ चैनल है इसमें न्यूज़ आती हैं तो इन तीनों से अलग हुआ ना तो ये ऑड हो गया ये इस पर आप टेक कर दिए अब एट्थ है हमारा द लूसी मर्सी सॉलिटरी रिपर डेफोडल्स जो लूसी मर्सी है ये हमारी सिंपली अगर बात करूँ इसकी तो जो लूसी और मर्सी है ये भी एक मतलब ये चारों ही आप मैं बताऊँ तो ये स्टोरी है इन दोनों पर मूवीज़ भी बनाई जा चुकी हैं इन दोनों पर मूवीज़ नहीं बनाई है इसमें क्या है जो लूसी मर्सी है ये जो है हमारी रियल बेज स्टोरी है ठीक है रियल वेज स्टोरी है उस असली कहानी जैसे होती है उसके ऊपर कहानी लिख देती हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ सर सैद अहमद खान है सर सैद अहमद खान के बारे में पूरी ज़िंदगी के बारे में लिख दिया तो उनकी असली ज़िंदगी हुई वो तो वो रियल स्टोरी हुई ऐसी सॉलिटरी रिपर और डेफिडिल का क्या है कि राइटर कहीं घूमने जा रहे हैं उसमें उन्होंने देखा कोई अच्छी चीज़ देखी ठीक है सोलिट्री रिपर पूरी एक बहुत बड़ी स्टोरी है इसमें क्या है कि एक औरत जो है खेत में जो है जिसे हम धान हैं घास ठीक है मतलब जो फसल कटती है तब तो वो फसल काट रही है मतलब एक यंग लड़की है वो जो है फ़सल काट रही है और गाना गा रही है तो उसमें सॉलिट्री रीपर ने ये बताया है कि एक औरत जो है मज़दूर है मतलब एक तरह से वो अपने जो है कामों को काम को जो है एक इंसान होता है वो काम को जो है बोझ मान लेता है ठीक है अब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा बहुत बड़ी स्टोरी है पूरी इसकी तो वो बोझ मान लेता है फिर क्या होता है वो काम नहीं कर पाता प्रेशर होता है और वो सैड होता है मगर वो लड़की क्या कर रही है वो अपनी सैडनेस को अपनी थकान को जो मेहनत कर रही है उस थकान को छुपाने के लिए क्या कर रही है सॉन्ग गा रही है उसी के साथ ठीक है तो सॉलिटरी रिपर में ऐसे ही स्टोरी है, ऐसे डेफोडेल्स जो है ये फ्लावर के ऊपर स्टोरी है पोया में पूरी तो अब इन तीनों चारों में से ऑड वन हमें बताना है कि ऑड वन क्या होगा सिंपल सा डिफरेंस इसमें यह है आपके लिए सिंपल नहीं होगा खैर थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि इसमें सिंपल सा डिफरेंस क्या है इन चारों में ऑड वन कौन सा है ये बताने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना पड़ेगा तो, तो देखिए पहले देखिए पहला है लूसी उसके बाद मर्सी उसके बाद सोलिट्री रीपर उसके बाद डेफोडल तो जो लूसी है सॉलिटरी रीपर है और डेफोडल ये तीनों ही विलियम वर्ड्स एक ही राइटर ने लिखी है क्या एक ही राइटर ने लिखी है और जो मर्सी है ये अलग राइटर ने लिखी है जिसका नाम है शेक्सपियर ठीक है शेक्सपियर को हर कोई जानता है इंग्लिश पोइट में इंग्लिश राइटिंग में हर कोई जानता है शेक्सपियर को तो जो मर्सी है ये शेक्सपियर की लिखी हुई है तो ये हमारा ऑड वन हो गया और ये तीनों ही हमारे किसकी लिखी हुई है डेफोडिल सोलिट्री रिपर और लूसी जो है ये तीनों ही डेफोडिल और सोलिटरी रिपर जो है ये पोएम है ऐसी लूसी जो है ये भी जो है पाँच सेट है मतलब पाँच पोएम का एक सेट है ये तीनों ही जो पोएम्स का जो सेट है ये लूसी और सोलिट्री रिपर और डेफोडिल ये तीनों ही विलियम वॉट्स ने लिखी है और ये जो मर्सी है ये किसने लिखी है ये लिखी है शेक्सपियर ने तो ये अलग

हमने तो इस पर क्या टिक कर रखा है एनदर डे इन पैराडाइज अगर बात करें हम तो इसमें पहला है ब्लैक एंड वाइट हैप्पी एनदर एंड डेंजरस ये तीनों ही क्या है इंडियन मूवीज़ की अगर बात करें वैसे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट क्या है ये बता रहा है ब्लैक एंड वाइट किसे कहते हैं कलर को बता रहा है हैप्पी अनदर डे इन पैराडाइज और डेंजरस ये तीनों ही क्या है मूवीज़ के नाम है तो इसमें ब्लैक एंड वाइट हमारा सही होना चाहिए आंसर शीट में बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रखा है ठीक है तो आंसर शीट को देख कर नहीं करना है हम इसीलिए पहले करेक्ट कर हमने जो गलत हमने आंसर शीट का जो इसमें लगा हुआ है लगा के उसके बाद जो करेक्ट वन है वो बता रहे हैं आपको तो उसमें पहला ब्लैक एंड वाइट

तो जो हमने टेक कराया उसे देख लिए पहले यहाँ पर हमारा डी है फिर इसमें यहाँ पर ए है मतलब यहाँ देखिए ए बी सी डी दिया है ना तो ये वाला डी में आ रहा है ये डी है ये ए में आ रहा है फिर यहाँ पर डी में है ये फिर ये सी में है उसके बाद यहाँ पर पहला है ग्रेनी वार्ड उसके बाद बेंजो उसके बाद यहाँ पर है आज तक फिर उसके बाद मरसी फिर ब्लैक एंड वाइट उसके बाद द चेरी ऑर्चर्ड द चेरी ऑर्डर ऑर्चड जो है हमारा ऑर्ड क्यों है ये आपको खुद ही सर्च करके खुद ही पढ़ना है ठीक है ये आपका एक होमवर्क दिया है उसके बाद पार्ट टेन यहाँ पर टॉप पर लिखना है चैप्टर नंबर थर्टी सेवन और डेट लिखनी है डेट किस दिन की लिखनी होती है डेट आपको वही लिखनी होती है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है उस दिन की फिर पार्ट वाट लिखने के बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ठीक है ये पार्ट वार्ट आप खुद ही लिखिएगा पार्ट नंबर टेन डेट आप ये सब लिख लीजिएगा उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है नो योर बॉडी अपनी बॉडी के बारे में जानो चलो तो जानते हैं थोड़ा बहुत डू यू नो योर बॉडी वेल ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपकी बॉडी अच्छी है मतलब सही सलामत है ठीक ठाक है वेल है फ्रॉम हेड टू टो ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इट्स फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये कह रहे हैं आपके हेड टू टो यानी हेड से लेकर टो तक जो आपकी बॉडी है वो जो है उसका हर एक पार्ट जो है बिल्कुल अच्छे से फंक्शन करना चाहिए तो ये यही पूछ रहे हैं कि जैसे कि हमारे हेड हाँ, से लेकर मतलब ऊपर से पूरा नीचे तक पैर तक टो तक हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए अच्छे से उसका फंक्शन होना चाहिए क्या तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी अच्छी है डू यू नो योर बॉडी वेल क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी अच्छी है सही सलामत है हर एक पार्ट उसका ठीक ठाक है बिल्कुल आपके जैसे हाथ हैं पैर हैं उसके बॉडी का जो जो फंक्शन है वो सही से कर रहा है क्या आपको सब पता है तो ये तो हम हाथ पैर तो एक्सटर्नल ऑर्गन की बात हो गई अंदर की बात करें कि आपका हार्ट ठीक है लीवर ठीक है आपकी किडनी ठीक है ठीक है इस आपका जो आ, इम्यून सिस्टम है वो ठीक है ये सारी चीजें आपको क्या पता है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर हैं कुछ यहाँ पर आंसर दिस क्वेश्चन बाई गिविंग नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ये कह रहे हैं अब इन क्वेश्चन के नाम बताइए मतलब इन क्वेश्चन का आंसर दिए अब यहां पर कुछ आपको हिंट दिए उस हिंट को देखकर बॉडी पार्ट्स के नाम आपको सिंपल बताने हैं पहला है इट मेक्स साउंडस ऑफ लब डब लब डब लब डब ये कह रहे हैं ये जो है साउंड निकालता है लब डब लब डब लब डब तो आपके जो हर्ट होता है जो वो साउंड निकालता है तो साइंस के मुकाबले साइंस के मुताबिक साइंस के हिसाब से जो वो साउंड होती है तो हर्ट की साउंड होती है लब डब लब डब ठीक है तो ये साउंड कौन निकालता है ये हार्ट निकालता है तो इसमें क्या लिखेंगे आप हार्ट एच ई -E ए आर टी हार्ट सेकेंड है नेल्स एंड हेयर आर मेड ऑफ मेड ऑफ़ इट ये कह रहे हैं नेल्स और हेयर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं वो कैरेटिन मटेरियल होता है एक ठीक है कैरेटिन से बना होता है जो हमारे नाखून और जो हमारे बाल होते हैं वो किससे बनते हैं कैरेटिन से आपने कभी देखा होगा जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो इसी की कमी की वजह से होने लगते हैं बाल टूटने लगते हैं ठीक है थीके? फिर नेक्स्ट है यहाँ पर लिख लिए आप ठीक है कैरेटिन लिख लिए के ई आर ए टी आई एन ठीक है ये आप यहाँ पर फिल कर दिए कैरेटिन उसके बाद थर्ड है इट इज़ कॉल्ड द फ्रेमवर्क ऑफ़ आवर बॉडी ये बताइए हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क किसे कहते हैं हम स्केलेटन को क्यों क्योंकि आपने जब कभी बाइक को देखा होगा तो बाइक जो होती है उसका फ्रेम होता है उसके ऊपर फिर अलग से प्लास्टिक लगाए जाते हैं उसके ऊपर जो है कवर लगाया जाता है बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं गद्दी लगाई जाती हैं उसके उप, उससे पहले एक स्केलेटन बनाया जाता है एक ढांचा बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं फ्रेम ठीक है ऐसे कार का फ्रेम बना देते हैं पहले उसके ऊपर फिर कवर करते हैं खिड़कियाँ लगाते हैं गेट लगाते हैं ऊपर से हमारा फिर कैप लगाते हैं जो ढक्कन होता है ऊपर का पूरा कवर करते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं तो उसके अंदर जो हमारा स्केलेटन होता है ये हमारा फ्रेम वर्क है देखो अब अगर मैं एनिमल की बात करूँ जानवरों की बात करूँ तो उनके फ्रेम वर्क में डिफरेंट होता है हमारे फ्रेम वर्क क्यों उनके स्केलेटन हमारे डिफरेंट होते हैं हमारे स्केलेटन से देखा होगा आपने उनके चारों पैर बराबर होते हैं ठीक है उनके जो चारों हैं वन टू थ्री फोर बराबर होते हैं हमारे डिफरेंट है तो हमारा फ्रेम अलग होता है उनका फ्रेम अलग होता है तो हमारा जो

क्या कहते हैं जॉइंट कहते हैं जैसे यहाँ पर घुटनों की हड्डियाँ देखिए यहाँ पर जोड़ जुड़ है यहाँ जुड़ है यहाँ जुड़ लड़ेंगे यहाँ जुड़ेंगे यहाँ रही, यहाँ यहाँ अब इतनी सारी ज्वाइंट्स होंगे यहाँ पर बॉडी में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता सिंपल सी बात है जहाँ पर हमारी हड्डियाँ आपस में जाकर जुड़ती हैं उन ज्वाइंट है। को मतलब उस जगह को हम ज्वाइंट कहते हैं ठीक है फिर उसके बाद फिफ्थ है दिस नर्व कैरी सिग्नल फ्रॉम आवर आइज टू आर ब्रेन ये आवर पढ़ते हैं बच्चे मगर आवर नहीं पढ़ा जाता इसे पढ़ा जाता है आर ठीक है आर आइज टू आर ब्रेन तो जो न ये नर्व है हमारी ये हमारी आंखों से हमारे ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचाती है वो कौन सी नर्व है उस नस को हम क्या कहते हैं उस नस को कहते हैं ऑप्टिक नर्व नर्व का मतलब होता है नस ठीक है तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व फिर सिक्स है यहाँ पर सिक्स देखिए जॉन्डिस अफेक्ट दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी ये कह रहे हैं जॉन्डिस जो बीमारी होती है वो जब बीमारी होती है तो हमारी बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है तो वो हमारे किस पार्ट को अफेक्ट करता है लीवर को जब जॉन्डिस किसी हो जाता है तो उसके जो जॉन्डिस होने की वजह से लीवर में प्रॉब्लम आती है लीवर को अफेक्ट करता है वो ठीक है फिर सेवेंथ है दिस पेयर ऑफ बीन शेप ऑर्गन इन आवर बॉडी फिल्ट फिल्टर ब्लड टू फॉर्म आ वेस्ट फ्लूड कॉल यूरिन ये कह रहे हैं ये जो बीन शेप आपने बीन देखी होगी बीन जो दाने होते हैं ठीक है बीन देखी होगी जैसे हम सिंपल बात करें जो बाजरे का दाना होता होता है या थोड़ा बड़ा उसकी बात करें मतलब कुछ सब्जियां होती हैं उसमें एक बीन आती है ठीक है बीन इस तरह के शेप होता है जैसे यहाँ पर ये दिया है इस तरह का तो ये जो बीन शेप का ये जो ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का ये इसका काम क्या होता है खून को फ़िल्टर करना छानना और खून तो छन के निकल जाता है जैसे हम चाय छानते हैं तो पत्ती उसकी रह जाती है ठीक है चाय जो पत्ती होती है उसकी वो ऊपर रह जाती है और चाय निकल जाती है लिक्विड निकल जाता है तो इसी तरह से ये क्या करता है खून को बॉडी के अंदर से ब्लड को फ़िल्टर करता है साफ करता है और जो इसका वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हम यूरिन कहते हैं वो वेस्ट मटेरियल जो है दूसरी जगह पहुंचा देता है उसे एक्सक्रेट कर देता है बाहर निकाल देता है ठीक है तो उसे हम क्या कहते हैं किडनी कौन करता है फिल्टर का काम कौन करता है किडनीज़ फिर एट्थ है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीथ दैट एन एडल्ट कैन हैव इन बोथ द जॉज ये कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ कितने हो सकते हैं एक एडल्ट के अंदर मतलब जो आदमी बड़ा हो जवान आदमी हो मतलब जो एडल्ट हो गया हो तो अगर हम एडल्ट की बात करें तो दोनों जौ को मिला के बत्तीस दांत होते हैं जिसे हम कहते हैं बत्तीस ठीक है थर्टी टू टीस होते हैं कितने हैं बत्तीस दाँत होते हैं एक बड़े आदमी के दोनों जौ के अंदर दोनों जब जौ कहते हैं जबड़े तो हमारे जो ऊपर का वाला जौ और नीचे वाला जो होता है दोनों को मिला के वो सिक्सटीन सिक्सटीन होते हैं टोटल होते हैं बत्तीस ठीक है थर्टी टू नाइन्थ है टमी इज़ द अनदर नेम ऑफ इट ये कह रहे हैं टमी जो है इसका दूसरा नाम है किसका स्टमक का अपने पेट को ही पेट को ही टमी भी कहते हैं कुछ जगह पर तो टमी जो है वो स्टमक का दूसरा नाम है ठीक है एस टी ओ एम ए सी एच ठीक है स्टमक फिर टेंथ है दिस ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स डेट कंट्रोल आवर बॉडी ग्रोथ ये कह रहे हैं ये जो ग्लैंड है ये एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है हार्मोन क्या होते हैं आप आगे जाके समझेंगे समझ लिए एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करता है जिससे जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है हमारी बॉडी बढ़ती है तो हमारी बॉडी जो हाइट लेंथ ब्रेथ जो सब हमारे बॉडी के अंदर बढ़ा ग्रोथ आती है बच्चों के अंदर आपने देखा होगा बचपन में एक ऐसी उम्र आती है तेरह चौदह के तेरा 14 की साल में उस उस टाइम बच्चों की हाइट बढ़ती है तो उस ज़माने में कहते हैं हमें बच्चों को या जो हम हम ही लोग हैं या अगर हम हैं थर्टीन फोर्टीन साल के ठीक है तो जो हमारी टीन एज होती है मतलब इलेवन के बाद जो शुरू होती है ठीक मतलब है इलेवन से ही मतलब ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी ये जो जितनी भी टीन एज होती है इस एज में अच्छा खाना लेना चाहिए अच्छी डाइट लेनी चाहिए कि हमारी जो ग्रोथ हो वो अच्छी हो क्योंकि उस टाइम जो है बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है और जो ग्रोथ कर रहा होता है उस उसे में हारमोन्स एक होते हैं वो हारमोन्स रिलीज़ कौन करता है वो ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या पिट्यूटरी ग्लैंड पी आई टी यू आई टी ए आर वाई पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है पिटियोचेरी पढ़ते हैं मगर पिटियोटेरी होता है ठीक है पिटियोटेरी क्या है ये पिटियोट्री ग्लैंड पिटियोचेरी नहीं होगा ये पिटियोटरी ग्लैंड ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर टेन पार्ट नंबर टेन ही चल रहा है मतलब चैप्टर नंबर थर्टी एट चैप्टर नंबर थर्टी एट पर देखिए यहाँ पर भी आपको पार्ट लिखना है यहाँ पर भी आपको डेट लिखनी है डेट कौन सी लिखनी है जिस दिन पार्ट टेन अपलोड होगा उस दिन की और यह सारा काम आपको हर पेज पर पे करना है जितने भी पार्ट टेन है मैं अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा फादर ऑफ़ साइंस कुछ साइंस के अंदर फादर फादर ऑफ़ साइंस फादर ऑफ़ साइंस फ़ादर ऑफ फ़ादर ऑफ़ बॉटनी फादर ऑफ मेडिसिन फादर ऑफ कंप्यूटर फादर ऑफ़ डैश फादर ऑफ़ डैश इस तरह से आपने सुना होगा ठीक है फादर ऑफ इंडिया गांधी जी जैसे कहते हैं तो इसमें साइंस के अंदर ऐसे कुछ फादर्स बना दिए जाते हैं मतलब फादर का मतलब ये नहीं असली अपने तो पापा कहेंगे उन्हें या फादर कहेंगे सिंपल सा मतलब है उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम किया है कि उन्हें जो है फादर का दर्जा यानी उन्हें प्लेस दी गई मतलब फादर की तरह उन्हें जो है बता दिया कि जैसे कि अब मैं बात करूं कंप्यूटर की तो उन्होंने फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं जैसे यहाँ पर ठीक तो है ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट तो ये फ़ादर ऑफ़ कंप्यूटर हैं ये ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं तो इन्होंने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ की होगी जिसकी वजह से ये फादर ऑफ़ कंप्यूटर बने ठीक है जैसे कि अब डिस्कवरी कर दी फा या मैं बात करूँ कंप्यूटर इन्होंने बनाया इसकी डिस्कवरी की ठीक है कंप्यूटर शुरुआत इससे ही हुई इन्होंने फाउंड किया तो ये हो गए फादर ऑफ कंप्यूटर अब मैंने कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी बना दी तो हो सकता है मुझे आगे आके कह दें फादर ऑफ़ डैश उसका जैसे मैंने अब कोई भी बनाया हो ठीक है तो उसका नाम दे दिया कि फ़ादर ऑफ़ डैश फादर ऑफ़ डैश इस तरह से चलिए फादर ऑफ साइंस ये अलग अलग साइंस की फील्ड्स हैं अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह काम किया है अलग अलग साइंटिस्ट हैं अलग अलग फील्ड्स के उसके मुताबिक इन्हें जो है नाम दिया गया है पहला है कैन यू गिव नेम ऑफ द साइंस दिस साइंटिस्ट क्या आप इस साइंस का नाम बता सकते हैं जिस साइंटिस्ट के ये फादर माने गए हैं मतलब ये जो साइंटिस्ट हैं जिस साइंस के फ़ादर माने गए हैं क्या आप इसके नाम बता सकते हैं पहले हैं ये फ़ादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री जो इंडियन केमिस्ट्री के फ़ादर हैं इन्हें माना जाता है इंडियन केमिस्ट्री का फ़ादर अब ये जो मैं इनके नाम नहीं बताऊंगा ठीक है आपका ये होमवर्क है आपको ये पता करना है कि फ़ादर ऑफ़ इंडियन केमिस्ट्री कौन है ठीक है फ़ादर ऑफ होम्योपैथी कौन है अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे आगे जाके 11, ट्वेल्थ में आग अगर आपने बायो बायो मतलब साइंस का ही पार्ट है आगे जाके समझेंगे आप बायोलॉजी का अगर स्टूडेंट रहे ठीक है तो उसमें है हमारे सिंपल सी बात है बायोलॉजी में एनिमल अपने एनवायरनमेंट हमारे बारे में पढ़ना पड़ता है अपने बॉडी के बारे में ठीक है तो वो बायोलॉजी होती है जैसे हमारे साइंस के चैप्टर में हमारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं अभी अभी क्या होते हैं सारे चैप्टर ज्वाइन होते हैं इसमें अलग अलग हो जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब अलग हो जाएगा तो इसी तरह से ये आपको ये सारे नाम पढ़ने पड़ेंगे तब आपको याद भी होने चाहिए फिर ये हैं फ़ादर ऑफ़ होम्योपैथी होम्योपैथी तो आप जानते ही होंगे होम्योपैथी क्या है ये दवाई का एक मेडिसिन का तरीका है जैसे हमारा क्या होता है फ़ादर ऑफ होम्योपैथी एलियोपैथी एलोपैथी ठीक है बहुत अलग अलग जैसे आप कहते हैं होम्योपैथिक कहते हैं यहाँ के लोग गलत बोलते हैं वो होम्योपैथिक नहीं होता है होम्योपैथी होता है तो ये फ़ादर ऑफ होम्योपैथी है इन्हें फ़ादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है फिर नेक्स्ट हैं ये फादर ऑफ़ मेडिसिनस के नाम से जाना जाता है अब इन्होंने अपना योगदान मेडिसिन के अंदर दिया तो इसलिए ये फ़ादर ऑफ़ मेडिसिन के नाम से जानते हैं ये फादर ऑफ़ बॉटनी बॉटनी जियोलॉजी ये अलग ब्रांच हो जा मतलब साइड हो जाती है ब्रांच हो जाती है किसकी बायोलॉजी की बायोलॉजी भी अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है ठीक है तो ये बॉटनी हो गया फादर ऑफ़ बॉटनी इन्हें फादर ऑफ़ जियोमेट्री कहा जाता है जीवमेट्री जा आपके मैथ का पार्ट है ठीक है ज्योमेट्री आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे आगे जाके बहुत ही बेहतरीन जम है सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ ये इतनी खास नहीं है ठीक है फिर है फादर ऑफ़ बॉयंसी ये इन्होंने बॉयंस फोर्स के बारे में बताया था तो इन्होंने फादर ऑफ़ बॉयंसी कहते हैं ये फ़ादर ऑफ़ जेनेटिक्स कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने जींस जेनेटिक्स होता है जीन्स के बारे में स्टडी करना ऐसी साइंस जिसे जो है जिसमें जो है हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं अब आपको यही नहीं पता होगा जीन्स क्या है तो मैं इन लोगों के बारे में क्या बताऊँ अभी आपको केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे ये नहीं पता होगा केमिस्ट्री क्या है ठीक है बॉटनी क्या है ज्योमेट्री पता होगा हो सकता है साइकोलॉजी पता होगा अब यहाँ पर साइकोलॉजी भी नहीं पढ़ लें होंगे कुछ लोग पढ़ लें होंगे फ़िजिकोलॉजी तो ये फ़िजिकोलॉजी नहीं है पी साइलेंट है ठीक है ये साइकोलॉजी है साइकोलॉजी ये इन फ़ादर ऑफ़ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं इन फादर ऑफ़ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इससे आप बस नोट कर लिए ठीक है आपको यहाँ पर क्या करना है सिंपली बस आपका ये होमवर्क है कि ये जो जितने भी जितने भी ये साइंटिस्ट हैं इनका यहाँ पर आपको नाम लिखना है एग्जाम में कैसे आएगा एग्ज़ाम में आएगा फादर ऑफ़ इंडियन केमिस्ट्री आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा आपका ये होमवर्क है बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है इसे हल्के में मत लीएगा क्यों क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आएगा आप सोचें अरे ये नहीं कर, करना या नहीं करना सब बराबर है अगर नहीं करा तो एग्ज़ाम में आ जाएगा फ़ादर ऑफ़ इंडियन केमिस्ट्री नाम बताइए तो आप कैसे बताएँगे ठीक है वहाँ पर मैं ये नहीं पूछूंगा आपको फोटो तो थो नहीं थोड़ी नहीं दिए जाएंगे एग्ज़ाम में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री तो आपको इनका नाम बताना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ये आपका होमवर्क है क्या होमवर्क है यह आपका होमवर्क है होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब होमवर्क करेंगे तभी आपको ये नाम याद हो जाएंगे ठीक है राइट द नेम राइट द नेम ऑफ ईच साइंटिस ठीक है ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इन सभी के आपको क्या करना है नाम लिखने हैं ठीक है स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो तो सही कर लिए बस मेरा जल्दी से मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क लिखवा दिया है राइट द नेम ऑफ ईच साइंटिस्ट ये आपका होमवर्क है इनका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है ठीक है यहीं लिख दिएगा यहाँ लिख दिएगा यहाँ लिख दिएगा यहाँ लिख दिएगा ठीक है इस जगह पर इनके नाम लिख दिएगा इस तरह से करके ठीक है यहाँ पर ऐसे करके इनके नाम लिख दिएगा ऐसे ही यहाँ पर है फिर फादर ऑफ़ मेडिसिन किसे कहा जाता है फिर फादर ऑफ़ बॉटनी किसे कहा जाता है कुछ काम आपको भी इसलिए देते हैं हम क्योंकि आप भी एक्टिव रहें ठीक है ऐसा नहीं कि बस कॉपी पेस्ट कर लिया वीडियो देखी और पेस्ट करके छाप के रख दिया तो ये आपको कर लेना है ये आपका होमवर्क है ठीक है बस इसमें सिंपल क्या कर करना है नेम लिखने हैं तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपको नेम लिखने हैं ठीक है स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट पेज पर आइए पेज नंबर फिफ्टी पेज नंबर फिफ्टी पर देखिए यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें क्या है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे हम यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए अलग अलग कामों के लिए चलिए यहाँ पर भी क्या करना है पार्ट लिख लेना है पार्ट क्या है हमारा पार्ट टेन है और डेट क्या है डेट जो आपको जिस दिन पार्ट टेन की वीडियो अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर मैंशन कर देनी है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पहला यहाँ देखिए हेडिंग देखिए गिव नेम्स ऑफ दिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर क्लू दिया हुआ है जिसके बारे में बताना है और इन्हें पढ़कर इनके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है पहला है यहाँ पर एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर ये कह रहे हैं ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को यूज़ करते हैं आपने कभी देखा होगा बीपी चेक करने की मशीन होती है ठीक है बीपी चेक करने की मशीन बीपी चेक करने की मशीन इसी से बस लोग बाग जानते हैं उसे कहते क्या ये नहीं जानते तो जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कहते हैं में क्या इस्फेग इस्फेगमो मैनोमीटर क्या इस्फेगमो मैनोमीटर तो जो हमारा बीपी चेक करने वाली जो मशीन होती है ठीक है उसे हम कहते हैं इस्फेगवो मैनोमीटर फेग मो मेनोमीटर ठीक है फिर सेकंड है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफियर एटमोस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर ह्यूमिडिटी क्या होती है ठीक है मॉइस्चर की मौजूदगी गर्माहट सी लगती है गर्मियों के मौसम में होता है जब ज्यादा हीट हो रही होती है तब जो है बारिश होती है तब ह्यूमिडिटी हो जाती है तो ह्यूमिडिटी किससे किस इंस्ट्रूमेंट किस से चेक होती है उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर ठीक है स्टूडेंट्स अब थर्ड देखिए थर्ड क्या है यहां पर बच्चों इसका थर्ड वाला देखिए आ, दो हो गए हमारे ठीक है फर्स्ट सेकेंड हो गया फर्स्ट हो गया हमारा स्फेगमोमेनोमीटर दूसरा है हमारा हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर क्या चेक करता है हाइग्रोमीटर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है क्या एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो हाइग्रोमीटर चेक करता है ठीक है तीसरा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द विलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड मतलब विंड की कितनी विलासिटी है और विंड की विंड का डायरेक्शन क्या है ये चेक करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम उसे कहते हैं एनीमोमीटर क्या कहते हैं एनीमोमीटर कहते हैं उसे हम ठीक है जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम विलासिटी और डायरेक्शन पता करते हैं विंड की कि किस तरफ विंड चल रही है उसकी विलोसिटी कितनी है मतलब जैसे कि अब हवा चल रही है तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है ठीक है तो उससे हम किसे पता किस चीज़ से किस इंस्ट्रूमेंट से पता करते हैं उसे पता करते हैं एनीमोमीटर से ठीक है एनीमोमी मीटर से हम जो है विंड की डायरेक्शन के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी हम बता कर पाते हैं फोर्थ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी ये ये इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट कितना तेज है कितना तेज करंट है कितना, कितना, कितना पावरफुल करंट है ये चेक करने के लिए कि स्ट्रेंथ कितनी है उस इलेक्ट्रिक करंट की ये मेजरिंग करने के लिए इस मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एमीटर ठीक है एमीटर जो होता है ए डबल एम ई टी ई आर ये जो एमीटर होता है इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना तेज है मतलब इस तेज से मतलब ये नहीं कि कितनी स्पीड से है तेज से मतलब ये है कि कितना पावरफुल है ठीक है जैसे कि हमारे घर में करंट होते हैं जैसे आपने कई बार सुना होगा इतने वोल्ट का कलर करंट इतने वोल्ट का कलर करंट ठीक है तो हाँ दस हज़ार वोल्ट, वोल्टेज का करंट तो ये सब चीज़ें क्या वो पावर ही तो बताता है एक तरह से तो कितनी स्ट्रेंथ है उसकी कितनी पावर है वो हम ए से पता करते हैं ठीक है और वोल्टेज होता है वो वोल्ट मीटर होता है उससे पता करते हैं ठीक है फिफ्थ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ये कह रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट जो कि हीट रिलीज़ इन अ केमिकल रिएक्शन मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं जब दो या दो से ज़्यादा रिएक् केमिकल आपस में मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ठीक है थीके? एक से ज़्यादा केमिकल जब हम आपस में मिला देते हैं तो उसके अंदर रिएक्शंस होने लगती हैं आपस में वो रिएक्ट करने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन तो वो कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसके उस दौरान जो हीट निकलती है हीट रिलीज होती है उस इंस्ट्रूमेंट को मतलब उस वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इस हीट को जो कि उसके अंदर से रिलीज़ होती है उसे चेक मतलब मेज़र करने में कि कितनी क्वांटिटी की हीट निकल रही है उस केमिकल रिएक्शन में कि क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी निकली है उस केमिकल रिएक्शन में ये पता करने के लिए जो है क्या होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ करते हैं और उस उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं कैलोरी मीटर कहते हैं क्या कहते हैं कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर से पता चल जाता है कि कितनी क्वान्टिटी में हीट रिलीज़ हुई है केमिकल रिएक्शन के दौरान ठीक है सिक्सथ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ इन अ सबमरीन फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल आपको पता होगा जो हमारा सबमरीन होती है वो पानी के अंदर चलती है क्या पानी के अंदर चलती है आपने देखा होगा सबमरीन जो है कैप्सूल की तरह होती है पूरी पैक जो होती है ठीक है आगे से थोड़ी नोकीली होती है मतलब जैसे कि कई शेप होते हैं उसके ठीक है जैसे मेरी पेंसिल है इस तरह की होती है ठीक है अलग अलग डिफरेंट शेप होती है तो वो सबमरीन जो है पानी के अंदर चलती है पूरी कवर होती है पूरी ढकी हुई होती है तो वो जो सबमरीन होती है अब ऊपर अबव द सी लेवल सी के ऊपर जैसे कि पानी के अंदर अंदर चल रही है तो पानी के ऊपर भी तो दिखना चाहिए क्या हो रहा है पानी के अंदर का तो सिर्फ दिख रहा है पानी के ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं उसके लिए एक होता है पेरिस्कोप क्या कहते हैं उसे पेरिस्कोप ठीक है जैसे एक दूरबीन टाइप की होती है वो समुंदर से उससे निकल वो पानी के ऊपर जारी होती है ठीक है पेरीस्कोप कहते हैं उसे जिससे जो है उसके सी लेवल के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ दिखाई देने के लिए ठीक है वो पेरिस्कोप यूज करते हैं वो पेरिस्कोप उसी सबमरीन के अंदर लगा हुआ होता है ठीक है क्या होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अ सबमरीन इन अ सबमरीन फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट द सी लेवल एक इंस्ट्रूमेंट जो कि सबमरीन के अंदर लगाया जाता है यूज़ किया जाता है अबव द सी लेवल क्या ऑब्जेक्ट जो है सी लेवल के अबव जो है उसे देखने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं पेरिस्कोप कहते हैं सेवन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट अब ये कह रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी सिंपल हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट जहाँ से जहाँ जो जो सोर्स है लाइट का अब मान लो कोई भी सोर्स है लाइट का सोर्स क्या मतलब जहाँ से लाइट आ रही है तो जो सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है उस सोर्स की जो है इंटेंसिटी क्या है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या है ये क्या है उस सोर्स की जहाँ से लाइट आ रही है वो चेक करने के लिए उसे हम कहते हैं फोटोमीटर क्या उसे हम कहते हैं फोटोमीटर जिससे जो है लुमिनियस इंटेंसिटी पता चलती है किसी भी सोर्स की किसी भी जरिए की जहाँ से लाइट आ रही है ठीक है एट है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड ये कह रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट जो कि हम जो है किसी भी लिक्विड की अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है कि उस लिक्विड में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ठीक है तो उसकी अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं हाइड्रोमीटर कहते हैं क्या कहते हैं हाइड्रोमीटर कहते हैं हाइड्रो तो वैसे पानी के लिए होता है सिंपली लिक्विड के लिए ही वर्ड यूज़ किया जाता है ठीक है नाइन्थ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अप्लाइंग साउंड और रेडियो सिग्नल ये कह रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट जो कि साउंड और रेडियो सिग्नल्स को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होते हों क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि साउंड और रेडियो सिग्नल्स को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होते हों तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एम्पलीफायर क्या कहते हैं उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं ठीक है ठीके? वो इंस्ट्रूमेंट जिससे जो है हम जो है क्या कहते हैं एम्पलीफाइंग फॉर एम्पलीफाइंग साउंड और रेडियो सिग्नल्स रेडियो सिग्नल्स और साउंड को एम्पलीफाइंग करने के लिए एम्पलीफाई करने के लिए हम जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एम्पलीफायर ठीक है टेंथ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ स्पेशली इन एन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड ठीक है क्या कह रहे हैं एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ स्पेशली इन एन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड उसे हम कहते हैं एल्टीमीटर अब एल्टीमीटर जो होता है ये एयरक्राफ्ट के अंदर लगाया जाता है मतलब जो हवाई जहाज होते हैं जितने भी उड़ने वाले हमारे यातायात करने वाले जैसे मतलब एयर एरोप्लेन है हवाई जहाज़ जो भी है ठीक है जो एयरक्राफ्ट है जो कि हमारे हवाई यात्रा के लिए इस्तेमाल होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं ठीक है जितने भी ऐसे एयर ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं जैसे कि हमारा एरोप्लेन है हेलीकॉप्टर है उसमें जो है एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिससे जो है ये पता चलता है कितनी एल्टीट्यूड पे वो लोग उड़ रहे हैं कितनी ऊंचाई पर वो लोग उड़ रहे हैं ठीक है कितनी हाइट पर वो लोग उड़ रहे हैं उससे क्यों ये क्यों लगाया जाता है पहले तो इसका नाम देख लिए इसका नाम है एल्टी जिससे पता चलता है कितनी एल्टीट्यूड पर है यानी कितनी ऊँचाई पर है ठीक है तो ये क्यों लगा जाता है मेनली जैसे कि अब दिल्ली है दिल्ली में दिल्ली में हमारा क्या है हमारा एयरपोर्ट आने वाला है तो उन्हें उतरना भी तो होगा तो उन्हें ये इतना तो पता होता है कि हमें इतनी हाइट से उतरना शुरू कर देना है तो वो हाइट कैसे पता चलती है अल्टीमीटर जो उसके अंदर लगा होता है उससे पता चलता है कि हम इतनी हाइट पे हैं तो उसी से पता चलता है कि अब हम हम इतनी हाइट पे आ गए हैं हम इतनी हाइट पे आ गए हैं हम और नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं तो उसके अंदर दिखता रहता है ठीक है ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा तो देख के भी आप पता नहीं कर पाएंगे कि हम ऊंचाई पे हैं कितनी ऊंचाई पे हैं क्योंकि हम इतनी हाइट पे होते हैं कि हमें कुछ सम... दिख ही नहीं रहा होता है बस ऐसा लग रहा होता है कि छोटी 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 चीज़ें कुछ उसमें दिख रही हूँ तो उसमें यही नहीं पता चलता है कहाँ ज़मीन है कहाँ क्या है बस कलर से पहचान जाते हैं तो एल्टी मीटर से ये पता चल जाए पता चल जाता है कि हम किस हाइट पर हैं ठीक है हमारी हाइट क्या है एरोप्लेन अगर कोई पायलट उड़ा रहा है तो उसे एल्टी पे पर ये दिखता रहता है कि मैं कितनी हाइट पे उड़ा रहा हूँ एरोप्लेन ज़मीन से जो हमारी हाइट कितनी है ठीक है उसी हिसाब से फिर लैंडिंग होती है उसी हिसाब से हमारा टेक ऑफ होता है ये सारी चीज़ें अल्टीमीटर की मदद से होता है वरना फिर अगर यही नहीं होगा अल्टीमीटर तो पता कैसे चलेगा कि हम नीचे उतर भी रहे नहीं ठीक है चलो मान लो कहीं नीचे उतरने लगे और जल्दी उतरने लगे एयरपोर्ट से पहले उतरने लगे तो ये क्या होगा फिर क्रैश होगा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा और उससे एक्सीडेंट हो जाएंगे ठीक है तो इसी वजह से अल्टीमीटर लगाया जाता है कि पहले से लोगों को पता चला है कि हम इस जगह पर हैं इतनी हाइट पर हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर फोर्टी है हमारा यहाँ पर क्या है ये भी पार्ट नंबर टेन है क्योंकि हमारा पार्ट तो सेम ही रहेगा ठीक है डेट क्या है यहाँ पर डेट आपको खुद लिखनी होती है जैसे मैं हर बार बताता हुआ आ रहा हूँ अभी तक कि पार्ट टेन है तो पार्ट टेन जिस दिन अपलोड होगा उस दिन की डेट रहेगी हर पेज पर जितने भी पार्ट टेन में हमारे चैप्टर्स मौजूद हैं चैप्टर है हमारा ब्रांचेज ऑफ साइंस अलग अलग साइंस की ब्रांच होती है बच्चों ठीक है अलग अलग जैसे जैसे हम साइंस जो है बहुत बड़ी है अगर हम सब पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ ही नहीं सकते कोई इंसान सोचे मैं सारी ब्रांचेज पढ़ लूँ जैसे हम एट्थ क्लास तक पढ़ते हैं साइंस ठीक है तो हम वैसे नहीं पढ़ सकते नाइन टेंथ नाइन टेंथ में भी हमारी साइंस जो है अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग हो जाती है फिर अलेवन ट्वेल्थ में उसमें से भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमारी अलग 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 रहती है फिर उसमें ब्रांचेज बढ़ने लगती हैं अलग अलग करके कोई कोई जियोलॉजी लेता है कोई बोटनी लेता है मतलब उसमें अलग अलग, अलग फिर टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं तो ऐसे ही कह रहे हैं साइंस ब्रांचेज़ ऑफ साइंस अलग अलग, अलग ब्रांचेज़ हैं साइंस की अब उसमें हम देखेंगे कौन सी ब्रांच में हम क्या क्या पढ़ते हैं किसकी स्टडी होती है तो यहाँ पर देखिए मैज द ब्रांचेज़ ऑफ़ साइंस विद देयर डेफिनेशनस ये कह रहे हैं यहाँ पर साइंस की ब्रांचेज़ दिए हैं ठीक है थेके? इनकी डेफिनेशन से इस ब्रांचेस को मिलाइए कि कि किस ब्रांचेज में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर दो कॉलम दिए एक ये है ए एक है बी ए में हमारा फर्स्ट क्या है एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं इंसेक्ट्स की स्टडी को किसे अगर कोई आ, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी है जो कि इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहा है तो हम कहेंगे वो एंटोमोलॉजी कर रहा है ठीक है जैसे हमारा क्या होता है आपने सुना होगा जैसे कि बहुत सारे जो है आ, आपने डॉक्टर्स के नाम सुने होंगे जैसे कार्डियोलॉजी ठीक है और बहुत सारे ओरोलॉजी न्यूमिसमेटिक न्यूमस्मेटिक तो उसका नाम नहीं है खैर ठीक है न्यूरोलॉजी ये सब जो है अलग अलग, अलग आपने आ, उनके डॉक्टर्स के नाम सुने होंगे कि ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये हैं वो हैं तो इसी तरह से ब्रांचेज़ हैं पहला है हमारा एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी में क्या होता है हम जो है इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं अगर कोई इंसान एंटोमोलॉजी कर रहा है या एंटोमोलॉजी उसने ब्रांच चुनी है तो इसका मतलब वो इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहा है तो फर्स्ट का होगा हमारा एल के एल एल देखिए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स के बारे में कीड़े मकोड़ों के बारे में इन सब के बारे में अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी ठीक है तो इसके आगे आप फर्स्ट लिख लिए आपका फर्स्ट हो गया एल के आगे फर्स्ट लिख लिए सेकेंड है कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी तो आपने सुना ही होगा कार्डियोलॉजी आपने सुना होगा तो कार्डियोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ़ हार्ट्स क्या कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं स्टडी ऑफ़ हार्ट्स अगर कोई दिल के बारे में पढ़ता है दिल जो हमारा हार्ट होता है उसके बारे में अगर कोई पढ़ता है तो उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी तो डी के आगे लिख लिए टू ठीक है फिर है हमारा एग्रोस्टोलॉजी क्या एग्रोस्टोलॉजी अगर एग्रोस्टोलॉजी कोई कर रहा है यानी वो ग्रास के बारे में यानी घासों के बारे में स्टडी कर रहा है पढ़ रहा है ठीक है तो एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं हम स्टडी ऑफ़ ग्रास यानी ई e के आगे, आगे आपको क्या लिखना है थ्री फिर है फोर्थ आपका डेंड्रोलॉजी डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं डेंड्रोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ट्रीज़ क्या डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं फोर्थ डेंड्रोलॉजी ये कहते हैं हम स्टडी ऑफ़ ट्रीज़ के है हमारा फोर्थ ठीक है ट्रीज़ के बारे में यानी पेड़ों के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी फिर फिफ्थ है हमारा मेट्रियोलॉजी क्या मैट्रियोलॉजी मेट्रियोलॉजी मेट्रियोलॉजी हमारा क्या होता है मेट्रियोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ वेदर मतलब मौसमों के बारे में वेदर के बारे में पढ़ना ठीक है उससे हम कहते हैं मेट्रियोलॉजी ठीक है हमारा फिफ्थ हो गया बी तो बी के आगे लिख लिए फाइव फिर है ओरोलॉजी ओरोलॉजी आप इसके बारे में जानते तो होंगे या एसएसटी में आपने पढ़ा होगा तो ओरोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ माउंटेंस अगर कोई पहाड़ों के बारे में स्टडी कर रहा है पढ़ रहा है स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि खाली उसके बारे में रट्टाफिकेशन कर रहा है नहीं पूरी रिसर्च होती है उसके बारे में जांच पड़ताल होती है हर कुछ चीज़ें ठीक है ठीके? हर कुछ चीज़ उसी के बारे में होती है तो ओरोलॉजी कहते हैं ओरोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ माउंटेंस पहाड़ों के बारे में पढ़ने को कहते हैं ओरोलॉजी तो हमारा एन हो गया सिक्स तो यहाँ पर सिक्स लिख लिए फिर हमारा सेवन्थ है यहाँ पर औरथोलॉजी तो औरथोलॉजी कहते हैं बर्ड्स के बारे में पढ़ने को क्या अगर कोई चिड़ियों के बारे में बर्ड्स के बारे में बर्ड्स की स्टडी कर रहा है तो उसे हम कहेंगे औरथोलॉजिस्ट या औरथोलॉजी कर रहा है वो ठीक है तो यहाँ पर ए पे लिखिए सेवन न्यूमिसमेटिक्स ये मैंने आपको एस एस टी में पढ़ाया है ठीक है आपने पढ़ा होगा एस एस टी में तो न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइंस एंड करेंसीज नोट्स क्या मतलब न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं कॉइन की या करेंसी नोट की स्टडी करना जैसे कि पहले मैंने बताया था राजा महाराजा थे वो अपने सिक्के बनाते थे, थे जो हिस्टोरियंस थे उसमें जो है जब हिस्टोरियंस जो है सर्च करते हैं तो उन्हें पुरानी चीज़ें मिली ठीक है जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सर्च किया था उधर तो उन्हें पुरानी चीज़ें मिली तो फिर जो है वो पढ़ता कौन है वो जो न्यूमिसमेटिक्स होती हैं जैसे उसमें सिक्के हैं करेंसी नोट हैं तो उसके बारे में न्यूमिसमेटिक्स जो होती है उसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइंस कॉइंस या सिक्कों के बारे में पढ़ना ठीक है करेंसी के बारे में पढ़ना उसे हम यानी उस पर रिसर्च करना ये उसकी स्टडी करना तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं हम उसे न्यूमिसमेटिक्स फिर नाइन्थ हमारा जेनेटिक्स जेनेटिक्स किसे कहते हैं तो जेनेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जीन एंड एनवायरमेंट क्या यहाँ पर देखिए ये हमारा जे ठीक है ये न्यूमिसमेटिक तो हमारा आई हो गया इसके आगे लिख लिए एट स्टडी ऑफ कॉइंस एंड करेंसी नोट ठीक है फिर हमारा जेनेटिक्स जेनेट्स हमारा जो नाइन्थ है जेनेटिक्स जो है पूरी स्टडी ये सिंपली हम कहें तो जीन्स की स्टडी को कहते हैं ठीक है थीके? और एन्वायरमेंट की स्टडी को कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ़ जीन्स ये आप जाके नाइन्थ टेंथ में पढ़ेंगे आपका बहुत बायो का बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का आपका टेंथ क्लास का जींस जेनेटिक्स ये सारी चीज़ें उसमें आप पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स जो है जीन्स की स्टडी को कहते हैं ठीक है तो स्टडी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जीन्स एंड एन एनवायरमेंट ये क्या हो गया हमारा जेनेटिक्स तो नाइन्थ हो गया जे जे के आगे आप नाइन्थ लिख लिए टेंथ है न्यूरोलॉजी न्यूरो से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूरो का मतलब क्या है न्यूरो से हम क्या कह रहे हैं तो न्यूरोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम अगर कोई नर्व के बारे में नसों के बारे में पढ़ रहा है ठीक है या नस पूरे नस जो हमारी है उसकी सिस्टम के बारे में पढ़ रहा है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी तो एफ हो गया हमारा टेन क्या हो गया टेन हो गया हमारा एफ तो एफ क्या लिख लीजिए टेन यहाँ पर न्यूरोलॉजी फिर है मिनरल मिनरलॉजी या हम सिंपल कह सकते हैं मिनरोलॉजी ठीक है मिनरोलॉजी से आपको समझ में आ रहा होगा ये मिनरल से बना हुआ है किससे बना हुआ है मिनरल से तो मिनरोलॉजी कहते हैं हम स्टडी ऑफ मिनरल्स जो मिनरल्स की स्टडी करता है उसे हम कहते हैं मिनरलॉजी ट्वेल्थ हमारा माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो micro से आपको क्या समझ में आ रहा है माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनज ऐसी बायोलॉजी जिसमें हम बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज जो होते हैं माइक्रो चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज होते हैं उसके बारे में हम अगर पढ़ें तो उसे हम कहते हैं कि हमारी जो है माइक्रोबायोलॉजी है फिर थर्ड है हमारा थियोलॉजी थियोलॉजी हमारा यहाँ पर है माइक्रोबायोलॉजी हमारा कौन सा हो गया ओ हो गया लास्ट वाला इसके आगे ट्वेल्थ लिख लिए ठीक है थियोलॉजी थियोलॉजी किसे कहते हैं हम स्टडी ऑफ रिलीजनस अगर किसी मज़हब के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे थियोलॉजी वो चैप्टर सॉरी वो हमारा सब्जेक्ट क्या कहलाता है थियोलॉजी कहलाता है तो जी के आगे लिखिए थर्टीन फिर है हमारा फोर्टीन एग्रोबायोलॉजी एग्रोबायोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ एंड इट्स न्यूट्रिशंस फोर्टीन है हमारा एम मतलब प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ना और उसके न्यूट्रिशंस के बारे में मतलब जिस प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं आप उन प्लांट से क्या न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं ये सारी चीज़ें पढ़ना रिसर्च करना ये हमारी आती है एग्रोबायोलॉजी में फिर हमारी फिफ्थ है फिफ्टीन है हमारी यहाँ पर जो लास्ट दी हुई है ओडोंटोलॉजी ओडोंटोलॉजी से आपको समझ में आया होगा जो डेंटल होते हैं डेंटिस्ट होते हैं ठीक है ठीके? जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं उसी इसी ओडोंटोलॉजी से मिलता जुलता नाम है तो आप इससे याद रख सकते हैं कि जो फिफ्टीन है हमारा ओडोंटोलॉजी ये होता है हमारा स्टडी ऑफ टीथ मतलब स्टडी ऑफ़ तीथ मतलब दांतों के बारे में जो स्टडी करता हो क्या स्टडी ऑफ़ टीत तो सी पे आ गया आपका फिफ्टी जो आपका लास्ट है स्टडी ऑफ़ टीत उसे हम कहते हैं ओर तो ए के आगे सेवन फिर फाइव फिर फिफ्टीन फिर सेक टू फिर थ्री मैं खाली नंबर बता दे रहा हूँ आपको ठीक है वैसे आप लिख लीजिएगा सेवन फाइव फिफ्टीन टू थ्री टेन थर्टीन उसके बाद एलेवन उसके बाद एट उसके बाद नाइन उसके बाद हमारा क्या है नाइन के बाद फोर वन फोटीन सिक्स ट्वेल्थ ठीक है स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट पेज हमारा देखिए पार्ट टेन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया अब नेक्स्ट पेज जो है ये हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे यहां पर तो यहां पर आपका पार्ट टेन स्टूडेंट्स खत्म हो गया ठीक है चैप्टर नंबर फोर्टी के साथ तो आपको ये हर पेज पे चैप्टर नंबर फोर्टी पे पार्ट टेन और डेट और ऐसे थर्टी नाइन पे पार्ट टेन और डेट लिखना है ऐसे ही हमारा थर्टी सेवन पे और 38 पे ये सब आपको कर लेना है उसके बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये आपको पक्का करना है क्योंकि आपके मैं एग्ज़ाम में दूंगा ज़रूर आपको पूछ लूंगा राइट द नेम ऑफ़ ईच साइंटिस्ट उसमें मैं पूछूंगा फादर ऑफ़ इंडियन केमिस्ट्री तो आपको आगे खाली जगह मिल जाएगी उसके आगे, आगे आपको लिखना पड़ेगा फादर ऑफ़ इंडियन केमिस्ट्री का नाम कि फ़ादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है कौन ऐसी मैं पूछूंगा फादर ऑफ होम्योपैथी तो फादर ऑफ़ होम्योपैथी में आपको इनका नाम लिखना होगा Father of Computer, तो फादर ऑफ कंप्यूटर तो फ़ादर ऑफ़ कंप्यूटर में इनका नाम लिखना होगा ठीक है जो भी हो फादर ऑफ़ कंप्यूटर आपको उसका नाम बताना होगा अब इसके कंटेंट जल्दी से आइए और जो हमने सिलेबस बताया है वो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लिए तो यहाँ पर कंटेंट पे आइए बच्चों और हमारा पार्ट कौन सा है हमारा पार्ट कौन सा था ये पार्ट नंबर टेन था क्या था पार्ट नंबर टेन था जो कि अभी हमने पढ़ा है तो इसमें देखिए हमने कितने चैप्टर पढ़े हैं चैप्टर नंबर थर्टी सिक्स चैप्टर नंबर थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी पाँच हमने इसमें चैप्टर पढ़े हैं ठीक है थीके? और ये पार्ट नंबर कौन सा है टेन है जो कि अभी हमारा कम्प्लीट हुआ है ठीक है अभी अभी हमने ये कम्प्लीट किया है तो ये हमारा जो पार्ट टेन है एक बार फिर से आइए पेज नंबर फोर्टी सेवन से स्टार्ट है तो फोर्टी सेवन से ही आपको दिखाते हैं देखिए फोर्टी सेवन यहाँ से हमने पार्ट नंबर टेन स्टार्ट किया था ठीक है यहाँ से हमारा पार्ट नंबर टेन स्टार्ट हुआ था फोर्टी सेवन से यानी चैप्टर नंबर थर्टी सिक्स उसके बाद चैप्टर नंबर थर्टी सेवन थर्टी एट उसके बाद नेक्स्ट पेज पर थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी ठीक है थर्टी नाइन फिर फोर्टी ये पाँच चैप्टर आपको मैंने इसमें कराए हैं पार्ट नंबर टेन में तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है सबसे पहले आपका पी ए टू का सिलेबस कंप्लीट हो गया पार्ट टेन के साथ तो आप यहाँ लिखेंगे पी ए टू कोर्स कंप्लीटेड यहाँ पर आप लिख लिए पी ए टू कोर्स कंप्लीटेड ठीक है स्टूडेंट्स क्योंकि आपका यहाँ पर तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं तो आपका पी ए टू का कोर्स भी कंप्लीट हो गया है आपको भी यहाँ पर आप लिख लेना है कॉपी बुक में इसमें कि आपका पी का कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है अब इसमें कंटेंट में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आपके तीन पार्ट होंगे खाली पी में कौन कौन से आपका पार्ट नंबर एट पार्ट नाइन और पार्ट टेन यही तीन पार्ट आपके एग्जाम मतलब जो आपका टेस्ट होगा उसमें आने वाले हैं जो पी के टेस्ट होंगे ठीक है चैप्टर्स देख लिए इसमें कौन कौन से हैं इसमें वन टू थ्री फोर यानी ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ये पार्ट एट में है पार्ट नाइन में थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव ये चार इसमें है चार इसमें है ठीक है ये दोनों नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट करिएगा मत क्योंकि इसमें पीछे चैप्टर्स के मिले हुए हैं ठीक है थीके? फिर आपका नेक्स्ट है पार्ट नंबर टेन जो हमने कराया है आज वो है हमारा लेट्स क्विज एक हमारा था इसमें फिर नो योर बॉडी फादर्स ऑफ साइंस यानी थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी थर्टी नाइन फोर्टी पाँच चैप्टर तो ये आपका पूरा ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो गया है ठीक है तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए यानी आपके पी टू का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है सो so, अब नेक्स्ट टाइम बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पी टू का आपका हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया इसे आपको बस तैयार करना है ठीक है स्टूडेंट्स अब जो हमने कराया है और यहाँ पर आपको मैंशन कर देना है पी कोर्स कम्प्लीटेड सो थैंक यू वेरी मच असलैक